कैसे हो? सब घर पे अच्छे हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? ओके, वेरी गुड। सब लोग अच्छे से, मुझे होमवर्क भी बहुत अच्छा करते हो आप लोग। ओके, तो इसी तरह से मुझे अच्छे से होमवर्क करके भेजना, तो मैं आपको स्टार, स्माइली, आइसक्रीम सब कुछ दूंगी। अभी मैं आपको दिवाली होमवर्क भी भेज रही हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से। ऐसा नहीं है कि दिवाली वैकेशन में बस हमने एंजॉय ही किया और मस्ती की, हमें साथ साथ में एंजॉय भी करना है, मस्ती भी करनी है, दिवाली सेलिब्रेशन भी करना है, अच्छे से घर पे रह के, और पढ़ाई भी करनी है, वो भी हमें याद रखना है। ओके, तो मैंने सब आपको रिवीजन ही दिया हुआ है, तो सब अच्छे से करके मुझे भेजना। चलिए, आज मैं आपको इंग्लिश में मिसिंग अल्फाबेट ए टू डी हमारा हो गया है। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो क्या मिसिंग है इधर? ए के बाद क्या आता है? बी। वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। बी फॉर बॉल, ब ब ब। फिर बी के बाद क्या आता है? कैपिटल कर्सिव सी। सी फॉर कैट, क क क। तो ये हमारा कैपिटल मिसिंग हुआ। देखिए, अभी यहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो मैंने क्या लिखा है? स्मॉल कर्सिव ए। उसके बाद क्या आएगा? B for ball, b b b। तो यहाँ पे आपको small लिखने हैं अल्फाबेट। B for ball, d d d। ओके, तो ऐसे अच्छे से होमवर्क करना और मुझे भेजना। ओके फ्रेंड्स, तो घर पे रह के होमवर्क भी करना है और दिवाली सेलिब्रेशन भी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।